बिहार के गया जिला के इमामगंज थाना के ब्लॉक के निकट पसेवा गांव में देर रात सना ट्रेवल्स में अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। स्थानीय लोगों के अनुसार आग लगी देखकर रास्ते में गुजर रही बाराती वाहन के लोगों ने देख लिया और हल्ला करने लगे। बस में आग लग गई, तभी घर के और आसपास के लोग निकले और बुझाने के लिए दौड़े और स्थानीय थाना को जानकारी दी गई, जहां से तुरंत दमकल भेजा गया जिससे किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। वहीं शुक्रवार को बस ओनर वसीम अकरम उर्फ राजू अंसारी ने इमामगंज थाना में नामजद और कुछ पर अज्ञात में आवेदन दिया और स्वयं की सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। साथ ही साथ मुन्ना बस ओनर पर भी आग लगी का आरोप लगाया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष ने बताया कि बस आग लगी में बस ओनर की ओर से आवेदन प्राप्त हुआ है, सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल जारी है, जल्द बदमाश पुलिस के गिरफ्त में होगा। क्या मामला हो गया? मामला ये बस का विवाद चल रहा है और इसमें जो है ये मुन्ना बस जो चल रही है डुमरिया वाला, उसका जो ओनर है ये मुनाजिर से थोड़ा दिन से चल रहा था हमारा विवाद। हमें गाड़ी मतलब चलने के लिए मना कर रहा था कि इधर नहीं चलने देंगे, तो हम भाई जब परमिट है तो हम तो चल सकते हैं, जब तुम चल सकते हो तो हम भी चल सकते हैं। वो भी चल रहा था हमारे रूट से, वो भी हमारे गाड़ी के आगे चला, हमने चलने दिया। हम तो कुछ नहीं बोले, चलना है आप चलिए, आपका किस्मत हमारा किस्मत। लेकिन अब क्या है कि वो धमकी दे करके और बोल करके रियल में उसने क्या किया है कि गाड़ी में आग लगवा दिया। ठीक है, क्या किस तरह से धमकी दी गई? मतलब कि इस रोड में सब स्टाफ ये सबको बोलता था कि गाड़ी इसी रोड में चलाएगा तो देख लेना, इसका अंजाम बुरा होगा, कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है कि हम मेरे ऊपर गोली भी चलवा सकता था अगर हम यहाँ इमामगंज में रहते तो। मेरा खुश किस्मत है कि हम यहाँ नहीं थे जो गाड़ी पर वो लोग हमला किया। ये शक में आप कह रहे हैं कि प्योर है, श्योर है? हम 100% श्योर हैं और इसमें हमने दे भी दिया है आवेदन में, नाम भी सबका दे दिया है कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था। 3-4 लोग हैं गजवा के हैं, सबका मैंने नाम लिख करके दे दिया है। अब प्रशासन आपके घर पे कैमरा भी लगा है क्या? हाँ, उससे भी क्या हम लोग कोशिश कर रहे हैं उससे हम लोग निकालेंगे, जहाँ तक होगा हम लोग इन लोग को प्रशासन को हम लोग सहायता देंगे और इन लोग प्रशासन से हम चाहते हैं कि इन लोग जितना जल्द इन लोग का अरेस्ट करें और थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर इतना ये लोग अपने आप को समझ लिया कि हम लोग बहुत बड़ा क्रिमिनल है। क्या नुकसान हुआ बस में? तो पूरा समझ लिया कि पीछे से आधा तो जल ही गया है, अब उसको सही कराने में बहुत लंबा खर्च है। एकदम नया गाड़ी था, आप लोग को भी पता है कि नया मैंने बना के लाया था। उसमें कोई स्टाफ वगैरह भी? स्टाफ हमारा एक था बाबूलाल है, उस वो था जो सारा सुन करके उसी ने बताया, उसी हिसाब से मैंने लिख के दिया। अभी आप पुलिस प्रशासन से यही आश्वासन मिला कि हम जो है सबको अरेस्ट करेंगे आप, ठीक है, और मैं इनसे बस यही चाहता हूं कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दें और उनको जल्दी से अरेस्ट करें। मैं यही चाहता हूं उन लोगों से, और यहां से ये गुंडागर्दी को ख़त्म करें। ये जो साले ये छोटे मोटे सब जो घूम रहे हैं चोर चुट्टे, इन लोगों को जितना जल्दी हो सके यहां से सफाया करें। क्या कभी आप क्योंकि हम लोगों को यहां पर रहने में हम लोगों को डर लगता है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, जो सच्चाई है ये। जी, अपना परिचय दें। मेरा नाम MD वसीम अकरम, पसेवा का रहने।